Assalamualaikum students, welcome to your channel Engineering and Technology. Next हमारा एक lecture है bill of quantity के ऊपर. बास student कह रहे हैं कि सर हमारे लिए bill of quantities के ऊपर एक video prepare करें. Bill of quantities civil engineering में बहुत important है, बहुत use है इसका quantity survey में. तो बिल ऑफ क्वांटिटी, हाउ टू क्रिएट बिल ऑफ क्वांटिटी यूजिंग एन MS Excel. MS Excel में हम बिल ऑफ क्वांटिटी को कैसे क्रिएट कर लेते हैं, तो आइए चलते हैं. मैं ओपन कर लेता हूँ MS Excel को. ये MS Excel की एक फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर ली. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट ये जो है इसको मैं टाइटल के लिए मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज इट सेंटेंस. ठीक है, तो ये मैंने इसको मर्ज कर लिया. ठीक है, इसके बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ बिल ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी जो हमारा टाइटल है वो मैंने इसको दे दिया. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको मतलब बड़ा कर लूँ. ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लें. यहाँ से आप इसकी मतलब राइटिंग वगैरह मतलब आप चेंज कर सकते हैं, टाइम न्यू रोमन में आपने करना है. ठीक है, तो यहाँ से आप कर ले टाइम न्यू रोमन. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मतलब इसकी हेडिंग इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक, तो ये मैंने इसकी हेडिंग इंक्रीज कर ली. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीरियल नंबर. ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख लेता हूँ एस नंबर या कंप्लीट लिख ले सीरियल नंबर. ठीक है, तो अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा आगे लेके आ जाएंगे. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा मूव कर लिया. ठीक है, यहाँ पर क्या आगे जाएगा, नंबर. ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट आएगा लेंथ. ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कर ले मूव. यहाँ पर क्या आएगा, वेट. ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, हाइट GHT. ठीक है, ये हाइट आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटी QUANT क्वांटिटी. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या है, रिमार्क्स, रिमार्क्स. ठीक, तो ये हमारे पास रिमार्क्स आ गए. बैकस्पेस कर ले रिमार्क्स. ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर ले. ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई. अगर आप इस सब को आप सेलेक्ट कर लेना चाहते हो मतलब थोड़ी सी इसकी हेडिंग लाइंस वगैरह अगर आप इसकी इंक्रीज कर लेना चाहते हो तो वो यहाँ से इसकी मतलब इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अगर आप, ठीक है, ये सीरियल नंबर आप देख रहे हो, जैसे मतलब आपको बेटर लगे उस तरह आप इसको कर सकते हो. ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि ये हमारे पास थोड़ी सी बेटर लुक में नजर आए. इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेने चाहता हूँ 12. इसको भी बोल्ड कर लें, ये भी है, इसको भी मैं 12 कर लेता हूँ, ये भी बोल्ड कर लें, इसको भी 12 कर लें, बोल्ड कर लें. ठीक है, तो इस तरह जो भी मतलब आपको रिक्वायर्ड है वो उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हो. ठीक है, इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको भी आप बोल्ड कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी आप बोल्ड कर लें. ठीक
इसके लिए आप कमांड्स भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल वी के साथ भी ये बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप 12, ठीक है, तो ये माउस के जरिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे कमांड्स, मतलब हम कैसे मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ सीरियल 1, 2, ठीक है, इसको देता हूँ सीरियल 1, 2, 3। फॉर एग्जांपल 3 आइटम्स हैं मेरे पास। डिस्क्रिप्शन में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट हमारे पास क्या है, अर्थवर्क है, ठीक है, अर्थवर्क है। नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 है, मतलब 2 लेंथ। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, लेंथ भी मैं इसको 2 ही दे देता हूँ, इसको भी मैं 2 देता हूँ, इसको भी मैं 2 देता हूँ। ठीक है, अब ये क्वांटिटी है हमारे पास, मतलब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मतलब ये मल्टीप्लीकेशन एक साथ ही यहाँ पर हो जाए, तो वो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर फार्मूला पुट करो। फार्मूले जो भी फार्मूला आप पुट कर लेना चाहते हो, उससे पहले आप इक्वल टू प्रेस करें। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला चाहिए, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब प्रोडक्ट मुझे किन किन चीज़ों की चाहिए, यहाँ से लेके, ठीक है, इन तीनों की मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोबारा एंटर प्रेस। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से ये और ये हमारे पास इसका क्वांटिटी है जो 16 आ रहा है। कैसे 16 आ रहा है, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये आपको यहाँ पर क्वांटिटी शो कर रहा है कि आपके पास ये 16 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आप कुछ रिमार्क्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप इसको दे सकते हो, मतलब इसके लिए आपने जो इक्विपमेंट यूज़ किए, लेबर यूज़ किए वगैरह, लेबर यूज़ किए, इक्विपमेंट यूज़ किए, लेबर एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ETC, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिए इसका। तो ये आप रिमार्क्स में जो भी आप लिखने चाहते हो तो वो आप इजी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने काम किया है PCC का, ठीक है, PCC मैंने लिख लिया, 3 है, फॉर एग्जांपल वही 2 कर लेता हूँ। अब इसकी लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 12 फिट है, वेड इसकी 1 फिट है, ठीक है, और इसकी हाइट तकरीबन मैं कहता हूँ कि वो 2 फिट है। तो अब यही ये चीज़ दोबारा यहाँ पर क्यों नहीं आई, या क्यों नहीं आई, ये जो आपने ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लिया है, इसी को आप नीचे ड्रॉग डाउन कर ले तो ये खुद बखुद यहाँ पर आपके लिए अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें आप थर्ड देना चाहते हो, ब्रिक वर्क्स मैंने लिख लिया, जो भी आप इसको दोगे तो ये खुद बखुद ये देख रहे हो, ये क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम एक बिल ऑफ क्वांटिटी को मतलब एक्सेल में ड्रा करते हैं। ठीक है, अब जो भी मतलब आप इसमें इनको इंक्रीज कर लेना चाहते हो, जिस तरह जितनी भी अब आइटम, यही फार्मूला आप नीचे लेके आएंगे तो ये आपको खुद बखुद ये देख रहे हो, ये खुद बखुद आपको ऑटोमेटिकली उसको क्वांटिटी आपको देता जाएगा। ठीक है, जिसमें भी आप ये कर लेना चाहते हो। ठीक है, बाकी अब ये जो राइटिंग की डिजाइनिंग है, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ, तो ये सारा कुछ आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लेक्चर की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।